नाज़रीन पीडीएम एक बार फिर अपनी हठधर्मियों सफाकियत पर उतर आई। अदलिया को तो पहले ही मोरूसी सियासत करने वाले अपने घर की बांदी समझते हैं। इनके नज़दीक अदालती हुक्मनामों में इनके वकार की कोई वक़्त नहीं। शहबाज सरकार ने इस्लामाबाद बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक हुक्मनामे की न सिर्फ तोहीन की है बल्कि आम इंतखाबात से भी पीछे हटने का इंदिया दे दिया है। इलेक्शन कमीशन भी कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं और इत्तेहादी टोली के पीछे दुम हिलाए चल रहा है। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि क्या इम्पोर्टेड सरकार इस्लामाबाद में इंतखाबात करवाएगी? क्या पीडीएम ने इलेक्शन से फरार का रास्ता ढूंढ लिया है? पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? क्या एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने अदलिया की तोहीन की है? अदालत से पंगा लेकर क्या शहबाज सरकार इक्तदार में रह सकेगी? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि शहबाज सरकार के एक बार फिर तोहीन अदालत अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात न हुए, वोटर्स मायूस होकर घरों को लौट गए। राणा सनावला की एक बार फिर आम इंतखाबात न करवाने की धमकी। खान ने भी जमान पार्क में बड़ी बैठक लगा ली। पीटीआई का पीडीएम के खिलाफ डोर टू डोर मुहिम शुरू करने का फैसला। सदर आरिफ अलवी भी शहबाज सरकार के खिलाफ मैदान में आ गए। हुकूमत के लिए नया साल नई मुसीबतें ले आया। नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पीडीएम का हामी इदारा है। इसके नजदीक अदालती हुक्म और इसके फैसलों की कोई अहमियत नहीं। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाशगाफ फैसले को भी झुठला कर शहबाज सरकार का हुक्म माना और बलदियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। और अब ये भी इत्तला है कि नून लीग जो पहले खान साहब को आम इंतखाबात से मुतालिक मुज़ाकरात की पेशकश करती थी अब अपने निकट्टू वुज़रा के जरिए ऐलान करवा रही हैं कि आम इंतखाबात इमरान खान की मर्जी से नहीं बल्कि इत्तेहादी सरकार की मंशा से होंगे। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट खान साहब से किए गए अपने वादे से मुकरेगी? क्या सदर आरिफ अलवी मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने वाले हैं? क्या अदालती हुक्म की नाफरमानी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से हटने वाले हैं? वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन करवाने का वाज़ेह हुक्म हवा में उड़ा दिया। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंचकर वापस चली गई। अमले की अदम मौजूदगी में वोटर्स घरों को लौट गए। अदालती हुक्म सर आंखों पर लेकिन काबिले अमल नहीं, पीडीएम ने बयान जारी कर दिया। राणा सनावला की भड़के, पीटीआई ने भी कमर कस ली। कप्तान के ललकार पर पीडीएम और इलेक्शन कमीशन भाग निकले। एक और अदालती हुक्म पर शहबाज शरीफ की हवाइयाँ उड़ गयी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नाज़रीन पीडीएम इस वक्त इतनी ढिटाई से इक्तदार में घुसी बैठी है जैसे इसने कभी उतरना ही नहीं। और इनके वुज़रा भी ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसमें सिर्फ खान साहब ही मुद्दा होते हैं। इस्लामाबाद में आम इंतखाबात से मुतालिक अब इलेक्शन कमीशन क्या करने वाली है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि वज़ीर दाखला राणा सनावला ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन का शौक पूरा हो जाएगा। बलदियाती इदारे 2020 में मुद्दत खत्म कर चुके थे लेकिन इन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए? वज़ीर दाखला राणा सनावला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हल्का बंदियों का अमल 2 से 3 दिन में तो नहीं हो सकता, इसके लिए कम अज कम 60 दिन दरकार होते हैं। वोटर लिस्टों के तहत 17,000 वोटर्स अपने पते पर मौजूद ही नहीं है। इन्होंने कहा कि 15 के करीब इसके खिलाफ दरख्वास्तें आई हुई हैं और पार्लियामेंट बा इख्तियार है, किसी भी वक्त कानून की मंजूरी दे सकती है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद कानून साजी हो सकती है और इंटर कोर्ट अपील में तमाम मसाइल का जिक्र करेंगे। राणा सनावला ने कहा कि जो शोर मचा रहे हैं वो पार्लियामेंट में बैठे लेकिन वो इस्तीफे देकर घर बैठे हुए हैं। अक्टूबर में इनके इलेक्शन का शौक पूरा हो जाएगा जबकि इन लोगों ने आते ही बलदियाती इदारे खत्म किए थे। बलदियाती इदारे 2020 में मुद्दत खत्म कर चुके थे लेकिन इन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए? बलदियाती नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट गए और अदालत ने इन्हें बहाल किया। इन्होंने कहा कि 15 के करीब इसके खिलाफ दरख्वास्तें आई हुई हैं और पार्लियामेंट बा इख्तियार है, किसी भी वक्त कानून की मंजूरी दे सकता है। अक्टूबर में इनके इलेक्शन का शौक पूरा हो जाएगा जबकि इन लोगों ने आते ही बलदियाती इदारे खत्म किए थे और अब इन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए? आलमी मालियाती इदारे IMF से $3 अरब 2-3 हफ्तों में मिल जाएंगे और वजीर खजाना इसहाक डार ने यकीन दिलाया है कि मुल्क को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है और 15 जनवरी तक तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसहाक डार ने डॉलर मिलने में ताखीर की वजूहात से आगाह किया है और बताया कि पीटीआई ने जो मुआहिदा किया वो कोई मुल्क दुश्मन भी नहीं कर सकता था। इसहाक डार ने बताया कि पीटीआई ने IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जानबूझकर की और पीटीआई ने मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुहिम जोई की। नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में कल बलदियाती इंतखाबात करवाने से माजरत कर ली थी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद की हिदायत जारी की थी और हिदायत पर अमल दरामद के लिए 24 घंटों से भी कम वक्त दिया गया था। इलेक्शन कमीशन के एक ओहदेदार ने बताया कि इतने मुख्तसर नोटिस पर महज इस्लामाबाद में इलेक्शन का इनेकाद भी अमलन नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार के ये रिमार्क्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए मुनक्दा इजलास के बाद सामने आए। ओहदेदार ने कहा कि इंतखाबात के लिए दरकार साजो सामान मुंतकिल करने के लिए लॉजिस्टिक्स इंतजाम नहीं है और न ही पोलिंग अमला दस्तियाब है। इन्होंने बताया कि अगर रिटर्निंग अफसरान मौजूद भी हों तो इंतखाबात के लिए फिलहाल कोई हिफाजती इंतजाम नहीं
नहीं है। दरअसल विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दो रुकनी डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज करने का फैसला भी किया। मजकूरा अपील भी कल दायर की गई, जिस पर अदालत की जनम से समाअत की जाएगी। नजर अदालती अहकाम के बावजूद विफाकी दौरान हुकूमत में बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज न हो सका और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर को ही बलदियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। तहम इलेक्शन कमीशन की जनम से कोई इंतजाम नहीं किए गए, पोलिंग स्टेशन खुले और न ही पोलिंग का अमला पहुँचा। अदालती हुक्म के बावजूद विफाकी हुकूमत की जनब से सिक्योरिटी इंतजाम भी न किए गए। इंतजाम न होने के बावजूद मुतादद पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स वोट कास्ट करने पहुँच गए। तहम पोलिंग स्टेशन बंद होने पर वोटर्स की जनब से एहतजाज किया गया। विफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया था और इसको चैलेंज किया गया और इलेक्शन कमीशन की जनब से भी इंटरा कोर्ट अपील दायर की गयी। नारायण मुस्लिम लीग नून को एक और झटका लगा है। कप्तान ने अब ऐसा शॉट भी खेल डाला जिससे न सिर्फ नून लीग के अहम तरीन विकेट उठ गयी है बल्कि पीडीएम के भी होश ठिकाने आ गए। नून लीग का कौन सा अहम कारकुन तरीके इंसाफ में शामिल होने के लिए पर तोल रहा है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। चेयरमैन पीटीए इमरान खान ने इस्लामाबाद के आवाम के नाम खसूसी पैगाम में कहा कि बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अदालती फैसले के नतीजे में आवाम वोट के जरिए अपनी मुकामी हुकूमत मुंतखब कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि मुल्क की बदकिस्मती है कि मुसलत करप्ट टोले के साथ इलेक्शन कमीशन में मिला हुआ है, जबकि इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। मोजस अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं और ये करप्ट टोला आवाम से खौफ ज़दा है जो हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। चोरों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखने की है। इन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से जमीरों की मंडियां लगाते हैं, लेकिन अब इस माफिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा और आवाम इनको बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि इस्लामाबाद की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। यहाँ ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को विफाकी दारुल इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बलदियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली नवाज अवान और जमात इस्लामी की बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाया और हाई कोर्ट ने पिटीशन मंजूर कर ली, जबकि दूसरी जनब विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात करवाने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म चैलेंज कर दिया है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। नदन पीडीएम को टफ टाइम देकर कप्तान ने साबित कर दिया कि वो क्रिकेट के ही बेहतरीन खिलाड़ी नहीं बल्कि सियासत के भी जबरदस्त प्लेयर हैं, जिसकी ताजा मिसाल नून लीग की रहनुमा का खान साहब की तारीफों के पुल बांधना है। ताजा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर हिना परवेज भट्ट ने मारूफ एंकर मंसूर अली खान से गुफ्तगू करते हुए सियासी मुखालिफ पीटीए चेयरमैन इमरान खान की तारीफ कर डाली, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गयी की नून लीग की खातून रहनुमा इमरान खान की मोहतरफ है। एंकर मंसूर अली खान की जन्म से हिना परवेज भट्ट से पूछा गया की इमरान खान की कोई एक खूबी बताए जो आप चाहती हो की काश ये खूबी मेरे अंदर भी हो। हिना परवेज भट्ट ने कहा की इमरान खान बड़े मजबूत आसाब के मालिक है और वो कभी हार नहीं मानते। हिना परवेज भट्ट की इमरान खान की तारीफ करने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गयी। इससे कबल भी निजी टीवी चैनल पर बात करते हुए हिना परवेज भट्ट ने इमरान खान की तारीफ की थी। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि 1992 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाया और इस हवाले से वो एक अच्छे और फलाही रहनुमा भी हैं और इस बात का पूरा क्रेडिट इनको जाता है। हिना परवेज भट्ट का शुमार उन लीगी रहनुमाओं में होता है जिनकी जानिब से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इमरान खान को तनकीद का निशाना बना जाता है।